हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर वीडियो क्लासेस। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर थर्ड, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। इन प्रीवियस वीडियो वी आर स्टडी रिलेटेड टू सिंथेटिक फाइबर एंड टाइप्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर एंड व्हाट इज द यूजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी रिलेटेड टू प्लास्टिक, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द प्लास्टिक एंड व्हाट इज द property of the plastic, what is the uses of the plastic, okay? We will start our video. First topic is plastic. What is the plastic? Plastic is a polymer. Polymer kya hota hai students, jo ek jaise train hoti hai, train mein kya hota hai, first engine hota hai, then uske baad uske back side mein bogies hoti hai, theek hai, डिब्बे होते हैं, ठीक है। वैसे ही जो जैसे एक लाइन मिलकर क्या बनाते हैं, वो एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं ना, एज इट इज इसमें होता है। फर्स्ट जो लाइनर होता है उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो एक लाइन से लाइन में ये कनेक्टेड होते हैं इस टाइप में, ठीक है, इस टाइप में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये होता है हमारा फर्स्ट लाइनर प्लास्टिक, ठीक है। सेकेंड है हमारा लीनियर प्लास्टिक जो, एंड सेकेंड होता है क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस लिंक्ड में क्या होता है स्टूडेंट्स, उसमें इस टाइप में हमारे पास इस टाइप जो उसका जो एक दूसरे से वो कनेक्टेड होते हैं, वो इस टाइप में वो कनेक्टेड होते हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट जो है वो लीनियर प्लास्टिक है, एंड सेकेंड हमारा जो ये जो डायग्राम है वो क्रॉस लिंक्ड प्लास्टिक का एग्जांपल है, ठीक है। ये एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होते हैं, क्लियर। एंड स्टूडेंट्स, जो प्लास्टिक होते हैं वो इजिली मॉल्यूबल होते हैं एंड डिफरेंट शेप और साइज में होते हैं। मॉल्यूबल मीन्स उनको इजिली उनको किसी भी शेप में हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसकी शेप एंड साइज क्या होता है, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्लास्टिक समझ मोस्टली यूज करते हैं, टॉयज होते हैं, ठीक है, एंड कॉम्ब होता है जो कंघा होता है उसका यूज करते हैं हम लोग, उसके भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। एंड कूलर होता है प्लास्टिक्स के, फैन होते हैं, ये बहुत सारे टाइप्स के हम लोग डेली लाइफ में हम लोग प्लास्टिक का यूज करते हैं। उनकी जो वो उनकी शेप अलग अलग होती है और उनका साइज भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। ओके, रिसाइकल रीयूज एंड इनको रिसाइकल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूज़ है इनको रिसाइकल ईजिली कर सकते हैं। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं उनको नहीं कर सकते, बट कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं उनको ईजिली रिसाइकल कर सकते हैं, उनका उनको बाय द हीटिंग प्रोसेस से उसको रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल करके उसको वही प्लास्टिक को हम लोग वापस यूज़ कर सकते हैं। और ये किन क्या कलर में होते हैं, बहुत सारे अलग अलग कलर में होते हैं, और इनको इजीली क्या कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं। मेल्ट का मीन यहाँ पे है पिघलना, ठीक है, इनको इजीली हम लोग मेल्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रोल्ड इनटू शीट और मेड विथ इनटू वायर्स, इनको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो नॉर्मली हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं, सीट में भी यूज़ करते हैं, और इनको वायर्स में भी चेंज सकते हैं। जो आप देखा होगा इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, उनका जो आउटर कवर होता है वो किसका होता है, वो प्लास्टिक का होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, ठीक है। ये स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मो सेटिंग से रिलेटेड, ठीक है। इनमें ऐसे भी आ सकता है व्हाट इज द थर्मोप्लास्टिक एक्सप्लेन, एंड ऐसे भी आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। या फिर ऐसे आ सकता है गिव द वन एग्जांपल या टू एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखना स्टूडेंट्स। फर्स्ट हम लोग देखते हैं थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक विच गेट डीफॉर्म इजिली, क्या डीफॉर्म इजिली, थर्मोप्लास्टिक को हम लोग जो प्लास्टिक होता है थर्मोप्लास्टिक
इसको डीफॉर्म कर सकते हैं बाय द गेट हीटिंग से। हम लोग हीटिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हीट देके इसको डीफॉर्म कर सकते हैं, यानी इसकी जो शेप में चेंजेस है। फॉर एग्जांपल कोई प्लास्टिक की प्लास्टिक का कुछ भी ले लो, ठीक है, उसको हम हीटिंग लगाएंगे तो क्या होगा, वो पिघलना मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी डीफॉर्म यानी उसकी शेप में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये थर्मोप्लास्टिक में होता है, ठीक है, बट थर्मोसेटिंग में हमारा ये सब नहीं होता। फर्स्ट हम लोग थर्मोप्लास्टिक देखेंगे। इसका एग्जांपल कौन से हो जाएंगे थर्मोप्लास्टिक के, पॉलीथीन एंड पीवीसी। कौन कौन से एग्जांपल है, पॉलीथीन एंड पीवीसी किसके एग्जांपल है, थर्मोप्लास्टिक के। अब थर्मोप्लास्टिक का स्टूडेंट्स हम लोग इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ मोस्टली थर्मोप्लास्टिक का टॉयज़ में यूज़ करते हैं, कॉम्स में यूज़ करते हैं, इनमें मोस्टली हम लोग इसका थर्मोप्लास्टिक का यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लास्टिक विच मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन्ड बाय द हीटिंग। मींस अगर कोई प्लास्टिक है उसको एक बार शेप में बना दिया, देन उसको हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते बाय द हीटिंग से। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कुछ ऐसा प्लास्टिक की शेप है, अगर उसको हम लोग थोड़ा सा मोल्ड करेंगे वो ब्रेक डाउन ब्रेक हो जाता है, ठीक है, अगर हीट करेंगे तो वो उसको सॉफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है, उसको चेंज नहीं कर सकते, तो ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। कौन सा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बेकालाइट एंड मेलामाइन। कौन सा है, बेकालाइट एंड मेलामाइन, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। बेकालाइट एंड मेलामाइन इससे रिलेटेड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स कि थर्मोसेटिंग के गिव टू एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग, बेकालाइट एंड मेलामाइन, ठीक है। इसके भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं बेकालाइट से रिलेटेड और मेलामाइन से रिलेटेड, कि बेकालाइट है वो क्या है, पुअर कंडक्टर है, क्या है, पुअर कंडक्टर है। आपको पता ही होगा सिर्फ गुड कंडक्टर क्या होता है, पुअर कंडक्टर क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पुअर कंडक्टर वो होते हैं द ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट अलाउ द हीट या और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दैट्स वी आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर, या इंसुलेटर भी बोलते हैं इनको, ठीक है, पुअर कंडक्टर को इंसुलेटर भी बोलते हैं, जो हीट को अलाउ नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते फ्लो में, उनको क्या करते हैं, पुअर कंडक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर पता क्या चला हमें कि जो बेकालाइट है वो क्या है, पुअर कंडक्टर है, क्या है, पुअर कंडक्टर है, बेकालाइट क्या है, पुअर कंडक्टर है। एंड इसका यूज कहाँ होता है स्टूडेंट्स, इसका यूज जो मोस्टली हमारे जो हाउस में यूज करते हैं। अब पुअर कंडक्टर में प्लास्टिक का यूज क्या क्या करते हैं, देखो नॉर्मली जो हम लोग यूटेंसिल्स जो घर में यूज करते हैं, ठीक है, जो कुकर होता है, कुकर का जो बैक साइड होता है वो प्लास्टिक होता है, वो पुअर कंडक्टर होता है। एंड जो स्विच होते हैं, स्विच को हम लोग टच करते हैं, हमें इलेक्ट्रिक शॉक थोड़ी लगता है, नहीं लगता, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो क्या होते हैं, वो पुअर कंडक्टर होते हैं, क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, इसलिए स्विचेस में हम लोग बेकालाइट प्लास्टिक का यूज करते हैं, ओके। अब देखते हैं मेलामाइन। मेलामाइन क्या होता है, फॉर इसका यूज कहाँ करते हैं, टाइल्स होती है ना मोस्टली, जो फ्लोर टाइल होती है इसमें मेलामाइन का यूज होता है, किचन में यूज होता है। और ये क्या होता है, फायर प्रूफ होता है, जहाँ जैसे मतलब फायर को इजीली बर्न नहीं होने देता, ठीक है, जस्ट बिकॉज इसकी डिफाइन में क्या था, ये हीट से चेंज नहीं होते, इसलिए क्या होते हैं, फायर प्रूफ होते हैं, ओके। ये हमारा थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक टॉपिक क्लियर होता है। देन नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस पार्ट है वो देखेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट, प्लास्टिक इज लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक क्या होता है, वेट में क्या होता है, लाइट होता है, हेवी नहीं होता है, ठीक है, इसका वेट बहुत कम होता है एंड ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। प्लास्टिक में इसमें भी जैसे हम लोगों ने ये टाइप्स स्टडी किया ना,
इसमें भी कुछ स्ट्रांग होते हैं कुछ वीक होते हैं, बट ये कुछ मोस्टली स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, ड्यूरेबल होते हैं, ओके, ये भी एक प्रॉपर्टी है इसकी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो चीपर देन मेटल, मतलब ये बहुत सस्ता होता है, चीपर देन मेटल, ये मेटल से बहुत सस्ता होता है प्लास्टिक, इसलिए मोस्टली इसका यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट इसका यूज इंडस्ट्रीज में भी करते हैं, हाउस होल्ड में भी करते हैं, इंडस्ट्रीज में भी बहुत यूज होता है, हाउस होल्ड में भी, घर में भी हम लोग यूज करते हैं। और ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, जो प्लास्टिक होते हैं ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट, प्लास्टिक हमारे जो इन्वायरमेंट में क्या कैसे कैसे क्या हार्मफुल है, कैसे क्या इफेक्ट डालता है, ठीक है, वो देखते हैं। स्टूडेंट्स आपने सुना होगा बायोडिग्रेबल एंड नॉन बायोडिग्रेबल, ठीक है, बायोडिग्रेबल क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच कैन डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोडिग्रेबल, मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इजिली डिकम्पोज हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, बायोडिग्रेबल कहते हैं, ठीक है। बायोडिग्रेबल क्या होता है, बाय द नेचर होता है, ठीक है, बाय द नेचर ऑटोमेटिकली वो बायोडिग्रेबल हो जाता है, ठीक है। एंड नॉन बायोडिग्रेबल कौन सा होगा, नॉन बायोडिग्रेबल कौन सा था, इसका जस्ट अपोजिट, जो डिकम्पोज नहीं होते, तो इसकी डिफाइन क्या हो जाएगी, दोज ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट डिकम्पोज बाय द ऑर्गेनिज्म या बाय किसी भी प्रोसेस से, उसको क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेबल कहते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देखो स्टूडेंट्स, बायोडिग्रेबल के एग्जांपल्स और नॉन बायोडिग्रेबल के एग्जांपल्स। बायोडिग्रेबल जो डिकम्पोज होते हैं, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, आप देखना, जैसे वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स को आप कुछ टाइम के लिए कुछ और के लिए क्या है, ओपन सैंड पर रख देना, ठीक है, बाहर रख देना, तो वो ऑटोमेटिकली क्या स्पॉयल होगा, स्पॉयल होने के बाद कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा और वो फिर क्या हो जाएगा, वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, वो मीन्स वो डिकम्पोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ। एंड मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल वन मोर, प्लास्टिक, प्लास्टिक डिकम्पोज होता है, मैं एक बोतल मैंने 2 डेज के लिए, 3 डेज के लिए, 4 डेज के लिए मैंने ओपन में रख दी, वो डिकम्पोज नहीं होगी, जस्ट बिकॉज वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो नॉन बायोडिग्रेबल है, वो डिकम्पोज नहीं हो सकती है। इसलिए एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, बायोडिग्रेबल के वेजिटेबल्स, पील्स, ये क्या है, बायोडिग्रेबल के एग्जाम्पल्स हैं, एनिमल्स भी इसी में आते हैं, ह्यूमन भी इसी में आते हैं, ठीक है, एंड नॉन बायोडिग्रेबल में प्लास्टिक्स, ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेबल है, ओके। और ये इन्वायरमेंट को कैसे हार्म पहुंचाते हैं, वो क्या है, जब इनको बर्न करते हैं प्लास्टिक्स को, तो इनमें से हार्मफुल गैसेस निकलती है, जो क्या है, एक ह्यूमंस के लिए भी डेंजरस होती है और फॉर इन्वायरमेंट भी डेंजरस होती है, ओके। नेक्स्ट प्रिकॉशंस मतलब हम लोग कैसे इस जो प्लास्टिक्स है इससे कैसे बच सकते हैं, कैसे क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं, वो देखते हैं स्टूडेंट्स। अवॉइड यूज ऑफ द प्लास्टिक, जितना अवॉइड हो सके उतना अवॉइड करो प्लास्टिक्स को। जैसे हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं पॉलीथीन का यूज़ करते हैं वेजिटेबल्स लाने के लिए मार्केट से, तो क्या करते हैं पॉलीथीन का यूज़ करते हैं, वहाँ से पॉलीथीन है, बस स्टूडेंट्स वहाँ पर पॉलीथीन को अवॉइड कर दो, आप जूट या कॉटन का जो बैग है वो घर से लेके जाओ और परचेज करके ले आओ, जिससे क्या जितना अवॉइड करेंगे उतना इन्वायरमेंट के लिए हेल्थी होगा। नेक्स्ट वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेट, ठीक है, वेस्ट जो होता है उसको क्या करना है, हमें अलग अलग करना, जैसे फॉर एग्जांपल जो लिक्विड वेस्टेज होता है उसको अलग करो, एंड बायोडिग्रेबल है उसको अलग कर लो, नॉन बायोडिग्रेबल है उसको अलग कर लो, ताकि क्या हो जो बायोडिग्रेबल वो तो उसको डिकम्पोज कर सकते हैं,
जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो अगर हम लोग ऐसे ही फेंकेंगे तो उनमें से क्या होगी, हार्मफुल गैसेस निकलेगी, उसके लिए अलग से मैनेजमेंट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 4R, इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स एग्जाम से रिलेटेड भी। ठीक है, 4R का मीन्स क्या होता है, फर्स्ट रिड्यूस, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। ठीक है, इस 4R के मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो प्लास्टिक्स है उनको हम लोग वापस यूज़ कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, एंड रिकवर कर सकते हैं जो कुछ प्लास्टिक्स होने वाले हैं उनको। ठीक है, तो ये 4R भी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। ओके, सो टुडे वी हैव कंप्लीट आवर चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।